so i'm solving this part okay what is given to me a sum was put at simple interest at certain rate for 2 years had it been put at 1% higher rate of interest it would have fetched rupees 24 more what is the sum this is the question अच्छा इस क्वेश्चन को देखिए आप बड़ा बड़ा इजी सवाल है व्हाट इज गिवन टू यू इट इज गिवन दैट अ सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट अ सम ठीक है लेट लेट दैट सम यू कैन टेक इज इक्वल टू पी ओके अच्छा एट सर्टेन रेट यू कैन टेक रेट इज इक्वल टू आर परसेंट रेट इज नथिंग बट आर परसेंट फॉर टू ईर्स टाइम इज गिवन टू यू हाउ मेनी इयर्स टू ईर्स ओके नाउ वट इज इज सेट been put at one percent higher rate of interest, it would have fetched twenty four rupees more. तो पहले मैं यहाँ से इंटरेस्ट निकालता हूँ यहाँ से इंटरेस्ट कितना जाएगा एस आई एस आई विल बी इजिकल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन हंड्रेड दिस इज अ फॉर्मूला सो फ्रॉम हेयर एस आई विल बी हाउ मच पी तो पी है प्रिंसिपल इज पी रेट इज अगेन आर टाइम इज टू अपॉन हंड्रेड ठीक है सो दिस विल कम पी आर अपॉन फिफ्टी आर अपॉन फिफ्टी ओके ओके नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस वर्ट इज गिवन टू यू हेड इट बीन पुट एट वन परसेंट हायर रेट अगर आप एक परसेंट हायर रेट सी अब फर्स्ट कंडीशन ये फर्स्ट कंडीशन है और ये एस आई वन में इसको लिख रहा हूं ठीक है एस आई वन दिस इज दर्स्ट कंडीशन सेकेंड कंडीशन क्या कह रहे आपसे गिविंग यू द सेकेंड कंडीशन दैट अगर रेट को बढ़ा दिया जाए प्रिंसिपल इज सेम प्रिंसिपल इज सेम ओके सम और प्रिंसिपल इज नथिंग बट पी रेट क्या है एक परसेंट बढ़ गया है सो आर प्लस वन परसेंट इट पुट एट वन परसेंट हायर रेट टाइम विल बी अगेन सेम टू इयर्स, इट वुड हैव फेस्ट ट्वेंटी फोर रुपीज मोर तो यहाँ से जो इंटरेस्ट आएगा दैट विल्वेंटी फोर रुपीज मोर सो एस आई टू विल अगेन पी इन टू आर आर इज आर प्लस वन इंटू टी टी इज टू अपॉन हंड्रेड ठीक है टू फिफ्टी टाइम्स सो एस आई टू विल बी नथिंग बट पी इंटू आर प्लस पी बाई फिफ्टी और आई कैन राइट पी आर अपॉन फिफ्टी प्लस पी बाई फिफ्टी ओके okay. अब मुझे क्या दिया है ये जो इंटरेस्ट आया है ये पहले वाले इंटरेस्ट से दिस सिंपल इंटरेस्ट इज ट्वेंटी फोर रुपीज मोर ठीक है सो इफ यू डू एस आई टू माइनस एस आई वन यू विल गेट ट्वेंटी फोर रुपीज ठीक है दिस इज दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दिस इज इंपॉर्टेंट ओके इफ यू विल सब्ट्रैक्ट इट इफ विल सब्ट्रैक्ट इट

So PR by 50 PR by 50 will get cancelled principal upon 50 is equal to 24. Okay and P is equal to 24 into 50 and P is nothing but it will be 1200 rupees very simple it will be how much 1200 rupees okay? and D is the right answer.